नमस्कार, मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का नंबर वन क्राइम शो अक्षम्य, जहां होती है हर वारदात की पूरी पड़ताल, हर गुनाहगार का पूरा हिसाब किताब और जुर्म की दुनिया की पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध होता है अक्षम्य। और चलिए अक्षम्य में आज हम आपको दिखाएंगे यूपी में कानून के राज और अमन चैन को चुनौती देने वाली वो बड़ी खबरें जो सावधान भी करती हैं और खबरदार भी। अपने टीवी स्क्रीन पर एक साथ मेरे चारों तरफ आप इस वक्त चार बड़ी खबरें देख रहे हैं। पहली बड़ी खबर अतीक और अशरफ के हथियारों से जुड़ी हुई है। जेल में बंद तीन हथियारों में एक का नाम लवलेश तिवारी है, जो फेसबुक पर खुद को महाराज लवलेश तिवारी लिखता है। 12 मई को अचानक से इसका फेसबुक अकाउंट एक्टिव हुआ तो हड़कंप मच गया। अब साइबर सेल जांच में जुटी है। और दूसरी बड़ी खबर है राजधानी लखनऊ के एक मंदिर की, जहां चोरों ने एक या दो नहीं बल्कि 8 से 10 दान पेटियों का माल गायब कर दिया। इंसान तो इंसान, भगवान का घर तक भी अब महफूज नहीं है। तीसरी बड़ी खबर है नशे की उस खेप से जुड़ी हुई, जो नेपाल से होकर दिल्ली पहुंचने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही इसकी भनक पुलिस को लग गई और अब पुलिस दिल्ली वाली महिला सिंडिकेट को तलाश रही है, जिसके पास ये खेप पहुंचनी थी। चौथी बड़ी खबर है बदायूं के रहने वाले एक युवक की कासगंज में हुई हत्या से जुड़ी हुई, जिसके पीछे ट्रैक्टर वाला ट्विस्ट सामने आया और इन सभी सनसनीखेज वारदातों को विस्तार से आपको बताएंगे। और चलिए अक्षम्य में आगे बढ़ते हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो हैरान कर देने वाला है। बात अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में मर्डर तक पहुंच चुकी है, लेकिन चौंकाने वाली खबर अतीक और अशरफ के एक हथियारे से जुड़ी है, जो जेल की सलाखों में है लेकिन उसका फेसबुक अकाउंट एक्टिव है। तो आखिर कौन चला रहा है कातिल का फेसबुक अकाउंट, देखिए इस रिपोर्ट। जेल की सलाखों में अतीक का हत्यारा, फिर लवलेश का अकाउंट कौन चला रहा? एक्टिव अकाउंट की जांच में जुटी पुलिस। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अजीम की कैमरे के सामने हत्या करने वाले तीनों शूटर्स जेल की सलाखों में हैं। इन्हीं में से एक है लवलेश तिवारी, जो सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पर महाराज लवलेश तिवारी के नाम से मौजूद है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद लवलेश तिवारी का सोशल मीडिया अकाउंट अचानक फिर से एक्टिव हो गया है। महाराज लवलेश तिवारी के फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि फैंस तो सेलिब्रिटी के होते हैं, मेरे तो चाहने वाले हैं। पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर कौन चला रहा है ये अकाउंट। दरअसल फेसबुक अकाउंट में डीपी लवलेश तिवारी की है, माता पिता की फोटो भी है, जिसके आधार पर पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि अकाउंट लवलेश तिवारी का है। बीती 16 अप्रैल के बाद इस अकाउंट पर कोई भी पोस्ट नहीं की गई, लेकिन 12 मई की रात करीब 11:15 बजे एक पोस्ट आई, जिसने हड़कंप मचा दिया। फेसबुक पर आई इस पोस्ट पर लिखा गया कि फैंस तो सेलिब्रिटीज के होते हैं, मेरे तो चाहने वाले हैं। इस पोस्ट के नीचे बकायदा नाम भी लिखा गया, लवलेश तिवारी। इस पोस्ट को सैकड़ों लोगों ने लाइक किया, हजारों लोगों ने इस पर कमेंट किए। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। साइबर सेल के एसपी को जांच के आदेश दिए गए। हालांकि पुलिस की जांच के बाद कंफर्म होगा कि ये अकाउंट लवलेश का है या नहीं। लवलेश का है तो इसे कौन चला रहा है, जांच के बाद आगे इसमें कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर उमेश पाल शूट आउट केस में एक नया मोड़ आ गया है। उमेश पाल की हत्या के बाद शूटर अरबाज और विजय चौधरी उर्फ उस्मान का पुलिस ने एनकाउंटर किया था। अब शूटर अरबाज और विजय चौधरी उर्फ उस्मान के एनकाउंटर में शामिल पुलिस कर्मियों को नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस एनकाउंटर की जांच कर रहे न्यायिक आयोग की तरफ से जारी किया गया है। नोटिस जारी करके एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिस कर्मियों को अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मी नोटिस मिलने के बाद लखनऊ जाकर आयोग के कार्यालय में बयान दर्ज करवाएंगे। असद की कार चलाने वाला अरबाज 27 फरवरी को नेहरू पार्क के पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ था, जबकि विजय चौधरी और उस्मान 6 मार्च को
कोंधियारा थाना क्षेत्र में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाला विजय चौधरी उर्फ उस्मान कोंधियारा के भामोखर गांव का रहने वाला था। न्यायिक आयोग दोनों ही एनकाउंटर पर उठ रहे तमाम सवालों के जवाब तलाशेगा। दो सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग टीम में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज राजीव लोचन मेहरोत्रा और रिटायर्ड डीजी विजय कुमार गुप्ता शामिल हैं, जो पुलिस कर्मियों से पूछताछ के बाद एनकाउंटर का सच सामने लाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखिए, भगवान का घर दुनिया में सबसे महफूज ठिकाना माना जाता है, क्योंकि अपराधी और लुटेरे भी यहाँ पर आकर अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं। बड़े बड़े धनवान भी यहाँ पर सिर झुका कर आते हैं, लेकिन कलयुग में भगवान का घर तक महफूज नहीं। भगवान का घर भी सुरक्षित नहीं। आधी रात मंदिर में घुस आया चूहा, दान पेटियों के रुपयों को चोर ले भागा। देखिए, मंदिर में घुसा ये वही चोर है जो भगवान के घर में चोरी के इरादे से आधी रात में दाखिल हुआ है। सीसीटीवी में कैद हुई ये तस्वीरें 17 मई 2023 की हैं और वक्त हो रहा है रात के करीब 3:08 का। भगवान के घर में लोग मुरादें मांगने जाते हैं, बदले में भगवान को सामर्थ्य के मुताबिक चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन ये तो भगवान के घर से ही चढ़ावा लेने पहुंचा है, यानी चोरी करने पहुंचा है। चोर पूरी तैयारी के साथ भगवान के घर पर चोरी करने पहुंचा था। देखिए, हाथों में एयर बैग लिए मंदिर में दाखिल हुआ है। भगवान के द्वार पर पहुंचते ही दान पेटी पर नजर पड़ गई। फिर क्या था, इसकी तो बांछे खिल गई। अपने साथ लाए औजार से ये दान पेटी को तोड़ने में जुट गया। औजार से ताला तोड़ने की कोशिश करता है, थोड़ी सी मेहनत के बाद दान पेटी का ताला टूट जाता है। चोर की मानो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, पूरे जोश के साथ दान पेटी में हाथ डालता है और फिर मुट्ठी में भर भर कर नोट अपने बैग में भरना शुरू कर देता है। नोट और सिक्के जो भी हाथ लगते हैं वो उन्हें बैग में भरना जारी रखता है, तब तक जब तक कि मंदिर की दान पेटी पूरी तरह खाली नहीं हो जाती। राजधानी में चोरों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। सरोजिनी नगर के हिंद नगर इलाके में हेमंत नाथ शिव मंदिर में चोरों ने धावा बोला और यहां से सारे दान पात्र के ताले काटकर हजारों रुपए उड़ा ले गए। हम इस समय मंदिर के भीतर ही मौजूद है। इस मंदिर परिसर में चार अलग अलग मंदिर हैं, शनि मंदिर है, शिव मंदिर है, बाकी देवी देवताओं के मंदिर है, और ये देखिए, ये जिस तरह से चैनल गेट लगा हुआ है, सबके ताले काटकर चोर भीतर घुसे। मंगलवार रात करीब 1:30 बजे की घटना है जब चोर भीतर घुसे थे, सारे ताले काटे हैं और उसके बाद मंदिर में अलग अलग जगह पर रखे दान पात्रों के ताले काटकर चोरों ने भीतर रखे हुए सारे रुपए निकाल लिए। एक के बाद एक दान पात्र चोर काटते गए और जो चैनल गेट है उसमें ताला लगा है वो भी काटते गए। दान पात्रों में रखा रुपया निकाल कर एक बैग में भरते रहे। मंदिर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं चारों तरफ, जहां पर चोरों की गतिविधियां पूरी कैद हो गई हैं। बैग में नोट भरने के बाद अपने औजार हाथों में उठाता है और फिर मंदिर से फरार हो जाता है, लेकिन इस बात से शायद बेखबर था कि इसकी पूरी करतूत मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। चोरी की यह वारदात थाना सरोजिनी नगर के हिंद नगर में बने 40 साल पुराने हेमंत नाथ मंदिर और उसी प्रांगण में मौजूद शनि मंदिर की है। सुबह जो है 4:30 बजे मंदिर खोला, कम से कम 20-25 लोग आते हैं आरती में, तो मंदिरों का तारा देखा तो सब पूरा टूटा पड़ा था। गेट के ताले सब बंद थे, बाउंड्री वाले, पहले उस मंदिर का तारा टूटा, इसके बाद जो है यक्षारक तारा टूटा है, इसके बाद फिर यहाँ आए हैं वो लोग। तो दो आदमी अंदर थे, सीसीटीवी में इसमें सब दिखाई दे रहा है। फिर हमने जो है कमेटी वालों को सूचना दिया, फिर पुलिस वालों को वहाँ 7 बजे सूचना दिया, सब आए मुआयना करके गए, लगभग 40,000 से ऊपर रहा होगा। चोर के निशाने पर 8 से 10 दान पेटियां थीं।
पहले भगवान का डर दिखाकर इंसान को बुरे काम से रोकने के लिए डराया जाता था, लेकिन अब चोरों ने इंसान ही नहीं भगवान को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है, तो भला और कौन महफूज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। समय में आगे बढ़ेंगे। नेपाल के रास्ते नशे की खेप राजधानी दिल्ली पहुंचने वाली थी। करीब 16 किलो चरस जिसकी कीमत है 10 करोड़। पुलिस ने नशे की इस खेप के साथ दो लोगों को पकड़ा है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि दिल्ली में ये एक महिला सिंडिकेट को डिलीवर होनी थी और पुलिस अब उस महिला को तलाश रही है। नेपाल के रास्ते नशे वाला रूट दिल्ली पहुंचने वाली थी बड़ी खेप। महिला सिंडिकेट को होनी थी सप्लाई। बॉर्डर पर पुलिस ने पकड़ी नशे की खेप। इतना चरस की एक साथ दिखने वालों के पसीने छूट जाएं। महाराजगंज में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पुलिस को मुखबिरों से खबर मिली थी कि चरस की बड़ी खेप नेपाल से होकर दिल्ली पहुंचने वाली है। ये नशे के वही दो सौदागर हैं जो एक बड़े सिंडिकेट के लिए काम कर रहे थे। पुलिस ने 16 किलो चरस के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों का कहना है कि चरस नेपाल से लाकर दिल्ली पहुंचाने की योजना थी। कई बार नेपाल से चरस की खेप ला चुके हैं तो पूरी तरह बेखौफ थे। इस बार भी बिना किसी रोक टोक के माल अपने ठिकाने पर पहुंचा देंगे, लेकिन पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। हमारी एसओजी स्वाट टीम तथा कोतवाली की टीम के पास लगातार इस प्रकार के इनपुट्स आ रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार से हमारे जनपद में चरस आने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सूचना पर लगातार हमारी टीमें एक्टिव थी और इसमें आज कोतवाली और एसओजी स्वाट की टीम को एक प्रमुख सफलता मिली है। दो अभियुक्तों को पकड़ा गया है जिनका नाम क्रमशः जीवन पुत्र मातीवर, जो हमारे ही जनपद के बरगदवा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, और दूसरे दीपेंद्र बहादुर वरायली, ये नेपाल के रहने वाले हैं। पकड़े गए इन दोनों आरोपियों में से एक पर पहले से 4 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि दूसरा आरोपी नेपाल का है। उसके आपराधिक इतिहास के बारे में पुलिस जानकारी हासिल करने में जुटी है। इनके पास से करीब 16 किलो चरस बरामद हुआ है। एक के पास से 8.5 किलो, जबकि दूसरे के पास से 7.5 किलो। साथ में 2 मोबाइल, नेपाली और भारतीय करेंसी के साथ एक मोटरसाइकिल। इसमें जो जीवन है वो उनके ऊपर पूर्व के 4 आपराधिक मुकदमे भी हैं और इनसे सघन पूछताछ अभी की जा रही है और इनके पूरे के पूरे नेक्सस का अनावरण किया जा रहा है। और जो इनके पास से चरस बरामद हुआ है वो लगभग 7.5 और 8.5 किलो, यानी कुल 16 किलो है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करोड़ों में इसकी कीमत आती है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने मामले का पर्दाफाश करते हुए कहा कि 16 किलोग्राम बरामद चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 9.6 करोड़ रुपए होगी। कोतवाली और एसओजी की टीम ने जांच के दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 नशे के इन सौदागरों को चरस के साथ गिरफ्तार किया। एक के पास से 8.5 किलो और एक के पास से 7.5 किलो ये चरस बरामद हुआ है और इसको परीक्षण हेतु भेजा जा रहा है तथा इन दोनों अभियुक्तों को जेल भेजते हुए इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर नेपाल राष्ट्र में ये कहां से इसे अक्वायर कर रहे थे। और अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में ये बात निकल के आई है कि ये इसे दिल्ली ले जाके वहाँ पर एक सिंडिकेट है जो कोई महिला रन करती है उसके पास ही उसे पहुँचाया करते, तो इसके बदले में बीच में इन्हें कट मिला करता था। पूछताछ में दोनों ने इस बात को कबूल किया है कि नेपाल से चरस सस्ते दामों में खरीद कर दिल्ली ले जाकर महंगे दाम में बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। हमेशा की तरह चरस लेकर दिल्ली जाने के लिए गोरखपुर जा रहे थे कि पुलिस ने पकड़ लिया। अब पुलिस दिल्ली में उस महिला सिंडिकेट का पता लगाने में जुटी है जिसे नशे की खेप डिलीवरी होनी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। समय में आगे बढ़ेंगे। कासगंज में बंद कमरे के अंदर एक युवक की लाश मिली तो बदायूं तक हड़कंप मच गया।
पता चला कि युवक बदायूं का रहने वाला था जो कासगंज में ट्रैक्टर चलाता था। अब ट्रैक्टर के मालिक से पैसों को लेकर उसका विवाद चल रहा था। परिजन हत्या के पीछे ट्रैक्टर वाला ट्विस्ट बता रहे हैं। युवक की हत्या पर मचा संग्राम, परिजनों ने लगाए संगीन इल्जाम। हत्या में आया ट्रैक्टर वाला ट्विस्ट। कासगंज के सदर कोतवाली इलाके में एक युवक की लाश मलने से सनसनी फैल गई। युवक बदायूं का रहने वाला बताया जा रहा है, जो बदायूं से आकर यहां पर अशोक नगर में ट्रैक्टर मालिक के यहां ट्रैक्टर ड्राइविंग का काम करता था। मालिक से तनख्वाह को लेकर और पिछले पैसों को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। घर वालों को शक है कि इसी विवाद को लेकर इनके बेटे की हत्या हुई है। मौत की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस समझाती रही लेकिन गुस्साए परिजन मानने को तैयार नहीं थे। आज दिनांक 21/5/23 में जनपद बदायूं निवासी श्रीमती महादेवी के द्वारा एक सूचना दी गई कि उनका पुत्र चमन प्रकाश पिछले 4-5 सालों से अशोक नगर में ट्रैक्टर मालिकों के यहाँ रहकर ट्रैक्टर चलाता था, उसकी वहाँ हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कासगंज कोतवाली उसके साथ ही क्षेत्राधिकारी नगर कासगंज के द्वारा जाकर मौका मुआयना किया गया। पुलिस के मुताबिक मृतक युवक के शरीर पर चोट के कई निशान हैं। मृतक युवक चमन प्रकाश जो काफी समय से यहां रहकर ट्रैक्टर चला रहा था। पुलिस की जांच में भी पैसे लेने के मामले में विवाद का मामला सामने आ रहा है। परिजनों की तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मृतक के शरीर पर जो चोटें हैं उनका निरीक्षण किया गया, फील्ड यूनिट को बुलाकर उसका परीक्षण कराया गया। इसके बाद पंचायतनामा आदि की कार्रवाई करते हुए मृतक के शव को वास्ते पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अपराध पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। प्रथम दृष्टया जो मजदूरी का पैसा है, सैलरी का पैसा है, उसको लेकर के विवाद के होने की बात प्रकाश में आ रही है। अन्य जानकारियां एकत्र की जा रही हैं, विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। इधर पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस अब इस हत्याकांड के पीछे ट्रैक्टर वाले ट्विस्ट की तलाश कर रही है। रंजीत गुप्ता, एबीपी गंगा, कासगंज। अक्षम्य में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।